वेलकम बैक टू डी एस क्लासेस। आज हम लोग बात करेंगे एक ऐसे वर्ड की जो आपने शायद ही सुना होगा इस बारे में। सो व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ फेरोसियस? तो अगर आपने ये वर्ड सुना है, फेरोशियस मतलब क्या होता है? डू यू नो दैट? अगर आप जानते हैं तो कमेंट बॉक्स में जल्दी बताइएगा, और नहीं जानते हैं तो मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ। फेरोसियस मतलब होता है क्रूर, भयंकर या फिर जंगली। ऐसा वर्ड है ये कि हम लोग बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं बट हमें इसका नहीं पता है। तो शुद्ध लैंग्वेज में अगर इसका मतलब समझाऊँ तो जिसके अंदर दया ना हो, या फिर वो मतलब कुल मिला के उसके पास कोई भी दया ना हो, वो बहुत ज़्यादा क्रूर हो, मतलब उसके अंदर पीर नाम की कोई चीज़ नहीं। तो फेरोशियस मतलब होता है क्रूर, भयंकर, जंगली, इस तरह का। तो सेंटेंसेस के माध्यम से मैं समझाऊंगी। तो फेरोशियस एक सेंटेंस ही बताऊंगी, उसके बाद आप लोग कन्वर्ट करके देखिएगा। फेरोशियस वाइंड स्वेप द बीच, मतलब क्या हुआ इसका? प्रचंड हवा ने समुद्र तट को बहा दिया। इसका मतलब फेरोशियस मतलब आप प्रचंड भी बोल सकते हैं। कुल मिलाकर वो चीज़ जिसके अंदर दया ना हो, बहुत ज़्यादा खूंखार हो, जंगली हो, प्रचंड हो, इस तरीके के वर्ड जो हैं हम लोग फेरोशियस के मीनिंग में, हिंदी मीनिंग में यूज़ कर सकते हैं। सो अगर चीज़ समझ में आई होगी ये, तो आप मेरे को एक सेंटेंस कमेंट बॉक्स में बना के बताइएगा, ठीक है? प्रैक्टिस करिएगा। लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब। थैंक यू।